1 2 3। भाई मेरा नाम अब्दुल मस्तान है, मैं हसन नगर इंडिया नगर का रहने वाला हूँ। मेरे भाई के पास से उन्हें 40,000 रुपये लिया था, बैकरी का काम करता हूँ। उन्हें मतलब कौन? फैयाज है उसका नाम। अच्छा। बैकरी है उसकी, उन्हें 40,000 रुपये लिया था, 3 महीने होगा, पिछले 3 महीने से उन्हें देना है। मेरा भाई पैसे पैसे बोल के पूछ रहा था, तो आज देता हूँ कल देता हूँ, आज देता हूँ कल देता हूँ बोल के उसको फिरा रहा। तो कल बात हुई उसकी, उसकी दोनों की बात हुई। बात होने के बाद मैं गया, मैं फ़ोन लेके बात करा उससे, फैयाज से। फैयाज मेरे को बोला कि भैया मैं आज कैसा भी आपको शाम में 8-9 बजे तक दे देता हूँ बोल के बोला। मैं नहीं था घर पे, मेरा भाई मेरे घर पे दुकान है, मेरा भाई मेरी दुकान पे बैठे हुआ था। उसको फ़ोन करा, आ मैं पैसे दे रहा हूँ, चाहू छाओ मैं पैसे दे रहा हूँ बोल के उसको फ़ोन करा। तो उन्हें गया, जाने के बाद उन लोग 4-5 जने कितने जने थे मिल के उसको मारे, उसको ऐसा उसको जान से मार देने चले गए। फिर भी इन्हें अंदर मस्जिद में घुस गया है, जाकर आप मस्जिद में देख सकते हैं, पूरा मस्जिद में खूनम खान है। पूरा मस्जिद की एक ऑफिस है, वो ऑफिस में जाकर देखिए आप, पूरा मस्जिद में खूनम खान है। मस्जिद का नाम क्या है सब? मस्जिद का नाम हबीबिया मस्जिद है, महबूबिया मस्जिद है, वो निकलिस रोड पर है, हसन नगर इंडिया नगर निकलिस रोड पर है वो मस्जिद। तो मेरा भाई अपने आप को बचा लेने गया, थोड़ा उसको बहुत बहुत से बहुत मारा पड़ गए, हाथा कट गए उसके पूरे, वो लोग जान से मार देने चले गए। और वहाँ मस्जिद के इमाम साहब भी है, उन्होंने जाकर गली में थोड़ा आवाज़ पुकारा करे तो वहाँ के लोग आए जल्दी जल्दी आकर, थोड़ा हंगामा हो रहा तो उन लोग गाड़ियाँ वाड़ियाँ छोड़ दे के कर दे के भाग गए। अच्छा, अभी कोई लोग सिलेंडर भी हुए बोल के सुने मारने वाले? 2 जने सिलेंडर हुए। क्या नाम है उनके? एक का नाम फैयाज है, उन्हें A1 है, उन्हें मारे हुआ है मेरे भाई को जी, उन्हें मारे हुआ है और उन्हें पैसे देने का है, उन्हें बुलाया। तो ये अभी आपको 40,000 पूरे देते बोल के बुलाए थे या कुछ कम देते बोल के बुलाए थे, कुछ ऐसा तनाजा जो चला? थोड़े थोड़े पैसे देता हूँ बोल के बुलाया, उन्हें 2 बार दिया, 4,000 रुपये दिया, उसके बाद पैसे अब पूरे देने का है नहीं दिया, अब उसको बुला रहे तो उन्हें ऐसा बुला के उसको मारा। अभी कहाँ कहाँ मार लगे आपके भाई को? मेरे भाई के दो हाथा कट गए पूरे। क्या चीज़ से हमला किया गया? हथियार है, बड़ा कत्ता लेके हथियार से कत्ते से मारे हुआ है। आप हुकूमत तेलंगाना से क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहता हूँ मैं, इंसाफ। मेरे भाई को जैसा मारा ना उन्हें, घर बैठे उन्हें, घर में काम पे से आया, काम पे से आने के बाद उन्हें मुँह हाथ धोया, उन्हें खाना नहीं खाया, उसको पैसे दे रो मिल के बुला के उसको नाजायज पीले खा ले के उस लोग गैंग पूरी गैंग बना के आके मारे उसको। तो ये आपका कौन सा पी एस सी मिट पे आता है? मेरा राजेंद्र नगर। राजेंद्र नगर पे? तो आप कंप्लेंट किए अभी? हाँ, राजेंद्र नगर में कंप्लेंट है। अच्छा, से ये एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे इंसाफ होना है और मेरे भाई की जान को धोखा भी है, ये लोग पीने खाने वाले है, ऐसा मेरा भाई काम धंधा करने वाला है। तो अभी ये लोग अटैक की वक्त में कोई नशे में थे लोग? वहाँ उन लोग पीले खा ले गए थे पूरे, वहाँ पे मस्जिद में आप जाके देखिए पूरे कत्ते उत्ते उन लोगों के चप्पलाँ उप्पलाँ पूरे पड़े हुए है। जब लोग आने की तरफ से उन लोग भागे, वरना उसको पूरा जान से मार देते। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए मस्जिद में घुस के अपने आप से कुछ थोड़ा बचा लिया, उसके हाथा वाता कट गए, हाथा वाता कटने से उन्हें थोड़ा वो कुर्सियाँ वर्सियाँ बीच में आ गए। और मस्जिद के इमाम साहब जाकर थोड़ा गली में शोर पुकारा करे तो लोग आने की तरफ से छोड़ के भाग गए उसको। तो आपका ये कहना है कि मस्जिद की वजह से उनकी जान बच गई है? मस्जिद की तरफ से उसकी जान बच गई है और वहाँ के इमाम साहब है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने जो आवाज़ पुकारा करे गली में तो मेरे भाई की जान बची, छोड़ दे के भाग गए वो दरिंदे।